शांति अव्यक्त मुरली क्लब में आप सबका स्वागत है। आज की मुरली की डेट है 18 जून 1977। मुरली का टॉपिक है योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। आज की मुरली में बाबा ने रूहानी मिलन मन वाणी से परे स्थिति में कैसे होता है, उससे क्या फायदे होते हैं बताया है कि जब हम वाणी से परे स्थिति में रूहानी मिलन मनाते हैं तो वो शक्तिशाली स्थिति होती है। वह बेहद की वाणी से परे की स्थिति में रहने से बेहद की सेवा हो जाती है। सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। और ऐसे ही वाणी के परे स्थिति में जब रूहानी मिलन मनाते बाबा से तो विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी के परे की स्थिति होती है। ऐसे ही हम एवर रेडी भी रहते हैं। और इसके अलावा बाबा ने कहा कि योग की सबसे पावरफुल स्टेज बनाने का सर्वश्रेष्ठ साधन यही है कि जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण इसी उसी इसी घड़ी उस स्थिति में स्थित हो जाना, इसकी प्रैक्टिस करना है। इसकी प्रैक्टिस ही योग की सबसे पावरफुल स्टेज बनाने की विधि है। जैसे बाबा बार बार हम 5 स्वरूपों का अभ्यास आकारी साकारी निराकारी स्थिति में स्थित करने का अभ्यास कराते हैं, इसी तरह से बाबा ने कहा कि नाम रूप का विनाश करके आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, जिससे व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी से हम अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा बाबा ने कहा कि योग युक्त रहकर योग की शक्तियों का प्रयोग करना है, प्रयोग को अटेंशन में लाना है, प्रयोग में लाने का अटेंशन रखना है। और बाबा ने कहा कि जो शक्तियां हैं बाबा जब हम योग युक्त होके बाबा से जो शक्ति लेते हैं वो शक्तियों को यूज करना है। शक्तियों को का स्वयं के अंदर जैसे सामना करना, दो उदाहरण दिया आज बाबा ने, सामना करने की शक्ति और सहन शक्ति। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। तो जो भी शक्तियां हैं उसके लिए पहला हिम्मत का कदम, ब्राह्मण जीवन का आधार है हिम्मत, तो स्वयं हिम्मत का कदम आगे बढ़ाना है। और बाबा ने कहा कि अंतर्मुख होकर हर शक्ति की धारणा करने का अभ्यास करना है। जैसे कोई नई इन्वेंशन करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, तो उसी इन्वेंशन में खोए हुए रहते हैं, तो ऐसे ही हमें हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम बिजी रहेंगे और माया की संकल्पों की कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। और अंतर्मुखी होकर हम उस शक्ति के अभ्यास में बिजी रहेंगे तो सदा हर्षित मुखी भी दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम शक्तियों का अभ्यास में हर समय हमको बिजी रहना चाहिए। सहन शक्ति के बारे में भी बाबा ने बताया। तो अब हम शुरू करते हैं आज की मुरली। सब लोग योग युक्त होकर बाबा की मुरली सुनते हैं। सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले, आज्ञाकारी वफादार, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है वाणी द्वारा होता है ना। मुरली में पूरी मुरली में बाबा ने क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस किए हैं। सारी मुरली पूरी फर्स्ट हाफ क्वेश्चन ही भरे हुए हैं कि हर बात में बाबा ने हमसे प्रश्न पूछे हैं कि रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है वाणी से
या वाणी द्वारा होता है। वाणी से परिस्थिति प्रिय लगती है, वह वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है। वाणी से परे मतलब निर्वाण धाम में, साइलेंस की स्थिति में हम बाबा के साथ रूहानी मिलन मनाते हैं, तो वो साइलेंस की स्थिति ज्यादा अच्छी लगती है, या वाणी में आके जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं वो स्थिति ज्यादा प्रिय लगती है। वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती, वह वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा क्या अनुभव है, क्या हम साइलेंस की स्थिति में शक्तिशाली सेवा कर पाते हैं या वाणी में ज्ञान सुनाकर ज्यादा शक्तिशाली अनुभव होता है, क्या अनुभव है आपका, बाबा पूछ रहे हैं। बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति द्वारा होती है, वह वाणी से होती है ना। बेहद की सेवा तो हम वाणी में कर ही नहीं सकते, क्योंकि वाणी में तो जो सामने आत्माएं बैठी हैं हद में, कितनी आत्माओं को हम एक साथ वाणी में ज्ञान सुना सकते, लेकिन बेहद जब हम परम धाम की स्थिति में, वाणी से परे की निर्वाण धाम की स्थिति में जब बैठ के जो सेवा करेंगे बीज रूप स्थिति में, तो वो बीज को पानी दिया तो पूरे झाड़ को पानी मिल जाता है ना। तो फिर बाबा बोल रहे, अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है, ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है, वह वाणी में आने से होती है ना। हम सब का अनुभव है, परमात्मा के साथ जब बीज रूप स्थिति में बैठते हैं परम सर्वशक्तिमान के साथ, तो सर्वशक्तियां हमारे अंदर वाणी से परे की स्थिति में ही आ जाती है। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे स्थिति की है, वह वाणी में आने की है ना। विश्व कल्याणकारी बनना है तो फिर वही वाणी से परे निर्वाण धाम की बीज रूप स्थिति की स्टेज में बैठकर हम अच्छे से वरदानी, विश्व कल्याणकारी, सर्व आत्माओं की कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वाणी में आने के बाद हद में हो जाता है, हम तो हद की आत्माएं को ही हम ज्ञान सुना सकते। दोनों के अनुभवी, दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो, बाबा पूछ रहे हैं, सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। दोनों में से ज्यादा समय किस में स्थित हो सकते हो, तो बाबा हम लोगों को हमारी स्थिति पूछ रहे हैं, कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है, मतलब वाणी के परे की स्थिति या वाणी में आने की स्थिति, हमें अपने आप से पूछना है कौन सी स्थिति हमें सहज अनुभव होती है। ऐसे एवर रेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले, तो उसी समय स्वयं को स्थित कर सको। वह स्थित होने में ही समय निकल जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है, तो समय के पहले स्वयं में यह विशेषता अनुभव करते हो, बाबा पूछ रहे हैं। अंतिम समय फुल स्टॉप होने का सर्वश्रेष्ठ साधन यही है, जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण इसी घड़ी उस स्थिति में स्थित हो जाना। जो डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का, तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा पाए, निराकारी स्थिति में या आकारी स्थिति में, जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले उस स्थिति में उसी समय हम स्थित हो पाए। इस साधन के प्रैक्टिस को अनुभव में ला रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं। प्रैक्टिस है कि हम 5 स्वरूपों का अभ्यास या
आकारी निराकारी साकारी स्थिति का अभ्यास की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाप दादा ने अभ्यास तो बहुत समय से सिखाया है और सिखा रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में स्वयं को संपन्न कितना समझते हो? क्योंकि यही अभ्यास योग की पावरफुल स्टेज बनाने में मददगार बनेगा हमको। व्यर्थ संकल्प करते हैं इससे, है ना? अभी इस वर्ष के अंत तक स्वयं को ऐसे एवर रेडी बना सकेंगे? पूछ रहे हैं बाबा, सारे प्रश्न पूछे बाबा ने। तैयार हो वह समय को देखते स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो, है ना? क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, घबराहट के मारे आत्माएं और अलबेले, जैसे एग्जाम पास में आ जाती है तो घबराहट के मारे और अलबेले हो जाते कि अब तो टाइम ही नहीं बचा, आप कैसे अभ्यास करेंगे। तो बाबा पूछ रहे, समय को देखते स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो या तैयार हो? नाम रूप कब विनाश होगा? मतलब अपने को आत्मिक स्मृति में, देही अभिमानी स्थिति में कब लाएंगे? नाम रूप की बीमारी से कब छूटेंगे? देह अभिमान की बीमारी से कब छूटेंगे? इस बात को सोचते हुए पुरुषार्थ में संपन्न होने के बजाय व्यर्थ चिंतन व व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए हो? कि नाम रूप का विनाश होने का की बात को सोचते हुए इतना चिंता में आ गए कि व्यर्थ चिंतन और व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी आ गई और इसलिए फिर आराम पसंद हो गए पुरुषार्थ संपन्न होने के बजाय? ऐसा तो नहीं किया? बाबा पूछ रहे हैं, आजकल बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। सर्व आत्माओं को बार बार संदेश यही देते रहते कि योगी बनो ज्ञानी बनो, है ना? दूसरों को संदेश तो हम वाणी से यही देते रहते, योगी बनो ज्ञानी बनो। और संदेश देने वाले स्वयं को यह संदेश देते हो? स्व की सेवा करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि बाबा देखकर मुस्कुरा रहे हैं ना। बाबा देख रहे हैं कि दूसरों की सेवा करने में तो बहुत लगे हुए हैं। मेजॉरिटी आत्माएं विशेष सब्जेक्ट याद की यात्रा वह योगी बनो की स्टेज में कमजोर दिखाई दे रही हैं। किसमें? स्वयं याद की यात्रा वह योगी बनने की स्टेज में कमजोर दिखाई दे रही हैं। औरों को संदेश देने में योगी बनो ज्ञानी बनो में लगे हुए, बार बार यही संदेश देने में लगे हुए, लेकिन स्वयं याद की यात्रा में और योगी बनने की स्टेज में कमजोर दिखाई दे रही हैं। बार बार एक ही शिकायत बाप दादा के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे करते हैं, योग क्यों नहीं लगता? वह निरंतर योग क्यों नहीं रहता? ये 1977 की मुरली है। अब ये 45 साल बाद 2023 में अब तो अंत का समय आ गया। अभी भी क्या ये स्थिति है? क्या ये हमको चेक करना है? योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने? अनेक बार अनेक प्रकार की युक्तियां मिलते हुए भी बार बार यही चुटकियां बाप दादा को मिलती है। क्या चुटकियां मिलती है? कि निरंतर योग क्यों नहीं लगता, योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने? उससे क्या समझा जाए? बाबा पूछ रहे, सर्वशक्तिवान के बच्चे बन शक्तिहीन आत्मा होना, जो स्वयं को भी कंट्रोल न कर सके, वे विश्व के राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे? सर्वशक्तिवान के बच्चे जो स्वयं को भी कंट्रोल ना कर सके, वे विश्व के राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे? अगर शक्तिहीन आत्मा बने हैं, योग नहीं लग रहा है, योग की पावरफुल स्टेज नहीं हो रही है, निरंतर योग नहीं है, तो विश्व के राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे?
कारण क्या है? योग तो सीखा, लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों को प्रयोग करना नहीं आता है। योग योग करते परंतु प्रयोग में लाने का अटेंशन नहीं रखते। तो बाबा ने शुरू में ही कहा ना कि वाणी से परे की स्थिति में स्थित होकर जितना ये अटेंशन रखेंगे उतना हम बेहद की सेवा भी कर पाएंगे, उतने सर्वशक्तिमान बनेंगे, उतने विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी सर्व आत्माओं के कल्याणकारी बन पाएंगे। और जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण उसी घड़ी में स्थित होने की प्रैक्टिस करना है। ऐसा एवर रेडी रहना है, जो जिस स्थिति में जो डायरेक्शन मिले स्वयं को स्थित करने की प्रैक्टिस करेंगे। इस ये योग जैसे हमको इसमें भी मिलता रहता है रोज, तो वो भी हमको करना है। तो ये योग का प्रयोग करेंगे तो हमारा योग, ये जो प्रश्न है कि योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने, अपने आप ठीक होगा। योग का प्रयोग लाने का टेंशन रखना है। वर्तमान समय विशेष एक लहर दिखाई देती है। कोई भी बात सामने आती तो बाप द्वारा मिली हुई सामना करने की शक्ति का स्वयं प्रयोग नहीं करते, लेकिन बाप को सामने कर देते हैं कि आपको साथ ले जाना है, हमें शक्ति दो, मदद देना आपका काम है, आप ना करेंगे तो कौन करेगा। कोई भी बात सामने आती, कोई भी परिस्थिति सामने आती तो स्वयं के सामना करने की शक्ति का प्रयोग नहीं करते, लेकिन बाप को सामने कर देते कि मदद देना तो आपका काम है, थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो, आप तो सागर हो, हमको थोड़ी सी अंजलि दे दो। बाबा तो शक्तियों का सागर है ना, तो बाबा से आशीर्वाद मांगते बच्चे। स्वयं की सामना करने की शक्ति की हिम्मत छोड़ देते हैं और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित रह जाते हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। बाप का भी वायदा है, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। सिर्फ मदद दे बाप नहीं है, आजकल की लहर में बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं अलबेले रह जाते हैं। अब क्या करना है? तो बाबा कह रहे हैं कि बाप के ऊपर नहीं छोड़ना है, हिम्मत हमारे हमारे अंदर हिम्मत है, बस हिम्मत का एक कदम हमें बढ़ाना है, फिर मदद के तो हजार कदम बाबा ने हमको हमेशा ही बताया है मिल ही जाएंगे। स्वयं अलबेले नहीं रहना है, अब क्या करना है, इसके लिए क्या करना है? बाबा ने कहा विशेष कमजोरी यह है जो हर शक्ति को वह हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए वह मिलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते, अर्थात अभ्यास में नहीं लाते। हमको रोज ज्ञान, हमको रोज पोल लॉन्च होता है, उसमें ये मिलता है, यही कार्य मिलता है योग को पावरफुल बनाने की, तो वो अभ्यास स्वयं के प्रति अभ्यास में लाना है। हर शक्ति को हर ज्ञान की युक्ति को स्वयं के प्रति यूज करना और अभ्यास में लाना है। सिर्फ वर्णन करने तक लाते, लेकिन अंतर्मुख हो हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में जाओ। अंतर्मुखी होना है ना? अंतर्मुख हो हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में जाओ, मतलब अंतर्मुख। अंतर्मुख मतलब मैं आत्मा और परमात्मा के साथ कंबाइंड अंतर्मुख होना है। पर वाणी के परे की स्थिति में, जब बाबा ने कहा ना वाणी के परे की स्थिति में रूह रिहान करेंगे, बाबा के साथ हर समय कंबाइंड रहेंगे बीज रूप स्थिति में अंतर्मुख स्थिति में, तब हम हर शक्ति की धारणा का अभ्यास बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
बहिर्मुखता बंद करना है, बाहरमुखता बहुत हो गई है, अब अंतर्मुख होने का समय है। जैसे कोई नई इन्वेंशन करते, नया आविष्कार करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में खोया हुआ रहता है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने आप को अंदर बंद कर लेते हैं, दिन रात एक ही खोज में लगे रहते, तब वो कोई नई इन्वेंशन कर पाते। वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। बाबा आज हमको होमवर्क भी दे रहे, जैसे सहन शक्ति का वह सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है, बाबा ने तरीका बताया कि हमारी जैसे अष्ट शक्तियां हैं, ऐसे शक्तियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो अष्ट शक्तियां हैं उनमें से बाबा ने आज दो शक्तियों का उदाहरण लिया है कि सहन शक्ति क्या होती है, सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है। तो बाबा बाबा खुद ही आंसर भी बताते, सहनशीलता बोलते हैं ना, तो शीतलशीलता आती है, मतलब वो एक शक्ति जमा होती है। ये बाबा का फरमान मानने से सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है, हमारे अंदर शक्तियां जमा होती जाती है। सहन शक्ति को किस समय यूज किया जाता है, जब भी किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उस समय हमको व्यक्तियों को सहन करना है, उनके उनसे सामना नहीं करना है। सहन शक्ति को किस समय यूज किया जाता है, सहन शक्ति न होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं, है ना, कौन सा विघ्न आता है ज्यादा सहन शक्ति नहीं होती तो। अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो किस रीति से विजयी बन सकते हो, हा? तो सहन शक्ति ना होने के कारण सबसे बड़ा विघ्न कौन सा आता है, क्रोध भी आता है, क्रोध आता है सामने वाली आत्मा के सामने, क्योंकि सहन शक्ति सहनशीलता है ना, मतलब एक तरह की शीतलता आती है सहन शक्ति अगर हमने यूज की, अगर नहीं यूज की तो क्रोध का के विघ्न आ जाते हैं। और माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आता है आए तो किस रीति से विजय बन सकते हो, इसके लिए तो सहन शक्ति ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है, ये हर एक का अपना अपना अनुभव है कि हमको कौन सी परिस्थितियों में सहन शक्ति का यूज करना पड़ता है। वन इन एडवांस, पहले से ही विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ, है ना, इसकी प्रैक्टिस पहले से ही हमको करके रखनी है। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन, स्वयं का पेपर लो। क्योंकि हम तो हर समय पेपर हॉल में बैठे, हर सेकंड हमारे मन में जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं वो रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन, स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। सबसे ज्यादा पेपर तो हमारे ही स्वयं के ही व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ की कमजोरी, व्यर्थ चिंतन, जब स्वयं ही शक्तिशाली नहीं हो तो फिर रियल और सामने से कोई पेपर आएंगे तो क्या होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन, स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तिहान में कभी भी फेल नहीं होंगे। ऐसे एक-एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ, है ना, आज बाबा ने एक शक्ति का उदाहरण दिया हमें, सहन शक्ति। ऐसे हर शक्ति के अभ्यास की जरूरत है, इसी का प्रयोग करना है। अभ्यास कम करते हैं व्यास सब बन गए हो, लेकिन अभ्यास नहीं करते हो, है ना, व्यास बन गए मतलब अब सबको गीता सुनाते रहते हो, संदेश देते रहते हो, जैसे बाबा ने कहा योगी बनो ज्ञानी बनो का संदेश दूसरे को देते रहते हो, लेकिन स्वयं याद की यात्रा और योगी बनने की स्टेज का अभ्यास नहीं करते हो। इसी प्रकार स्वयं को बिजी रखने नहीं आता, इसलिए माया आपको बिजी कर देती है। जितना मैं आत्मा अंतर्मुखी होकर बाबा से सर्व शक्तियों को लेने के कार्य में, योग में स्वयं को बिजी रखूंगी, याद की यात्रा में योगी बनने की स्टेज में बिजी रखती हूँ, उतना ही मैं देह भान से परे हो जाती हूँ, इसलिए माया हम आती नहीं है।
है ना। माया मतलब मन, बुद्धि, संस्कार, जो भी मन देह भान की बात है, आत्मिक स्मृति में नहीं रहते, इसको ही माया बोलते हैं। तो इसलिए स्वयं को बिजी रखना है, इसलिए माया आपको बिजी कर देती है। तो अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाए। मन बुद्धि संस्कार में जो फंसे रहते हैं, आत्मिक स्मृति का अभ्यास भूल जाते हैं, तब फिर व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट हो जाती है। इसलिए सदा अभ्यास में स्वयं को बिजी रखना है। साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे, क्या दिखाई देगा? अंतर्मुखी, सदा हर्षित मुखी दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। जितना जितना अंतर्मुखी होंगे, बाबा से सर्वशक्तियों का अनुभव होगा, तो हर्षित मुखी दिखाई देंगे। जैसे अनुभवों को बढ़ाते चलने से, बार बार एक ही शिकायत करने से छूट जाएंगे। जितना हम बाबा के साथ अंतर्मुखी होकर कंबाइंड स्थिति में स्थित रहेंगे, तो शिकायत छूट जाएगी, क्योंकि शक्तियों का अनुभव बढ़ता जाएगा। योग युक्त स्थिति में शक्तिशाली हो जाएंगे। जैसे सर्वशक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया, वैसे ही स्वयं को योगी तू आत्मा कहलाते हो, लेकिन योग की परिभाषा जो औरों को सुनाते हो, उसका स्वयं को अभ्यास है। तो बाबा कह रहे, जिसे सर्वशक्तियों का अभ्यास करना है, ऐसे ही योगी तो आप आत्मा कहलाने के लिए योग की परिभाषा जो स्वयं सर्व को सुनाते हो, औरों को सुनाते हो, उसका स्वयं को अभ्यास है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, योग की मुख्य विशेषताएं सहज योग है, कर्म योग है, सहज योग है, हर समय सहज योग लगा हुआ है, कर्म करते समय योग है, राज योग है, हर समय मैं आत्मा परमात्मा के साथ योगी हूँ, निरंतर योग है, कॉन्स्टेंट याद, निरंतर याद, परमात्म योग है, परमात्मा के साथ योग, और किसी के साथ योग नहीं है, आत्मा का परमात्मा से योग। जो वर्णन करते हो वे सब बातें स्वयं के अभ्यास में लाए हो, पूछ रहे हैं बाबा, जो हम वर्णन करते हैं इन सारे योग का, स्वयं के अभ्यास में लाए हो क्या? सहज योग क्यों कहा जाता है, उसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो? वह अभ्यास में भी लाया है। सहज योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सहज है ना, बाबा से योग करना, आत्मा समझा, आत्मिक स्मृति में स्थित हुए, वैसे ही परमात्मा सहज रूप से याद आता है, परमात्मा के साथ ही योग लगता है जैसे ही आत्मिक स्मृति में आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो, वह अभ्यास में लाया है। अगर सिर्फ नॉलेजफुल हो तो अभ्यास में लाओ, और सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तब संपूर्ण योगी बन सकेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? और सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तब संपूर्ण योगी बन सकेंगे। सिर्फ नॉलेजफुल नहीं हो, उसको अभ्यास में भी लाना है। सहज योग का अभ्यास है और राजयोग का नहीं, तो फुल पास नहीं हो सकेंगे, है ना। राजयोग मतलब परमात्मा के साथ योग होगा, तभी हम फुल पास हो सकेंगे। ओम शांति दीदी, इतना रीड करना पहला पार्ट जी, रखना। शांति। अभी सब लोग 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर हम मंथन करेंगे। शांति, सुशीला बहन जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा तो थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो, तो आप तो सागर हो,
हमको थोड़ी सी अंजलि दे दो तो स्वयं के सामने करने की हिम्मत छोड़ देते और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित रह जाते हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। ओम शांति। बहुत अच्छा। हिम्मत है तो मदद मिलेगी। सुमु बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, जिसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं है, कोई से हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं आप नहीं आपका नहीं है। ओम शांति। रवि दीप बहन बोलिए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा ने बहुत शक्ति देने, हमें शक्तियों से भरपूर करने की वाणी चलाई है। तो सबसे पहले कि मैं अगर अंतर्मुखी हूँ, तो ये अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी होकर, शांत स्वरूप होकर, परमात्मा से कंबाइन होकर मैं हर शक्ति को धारण कर सकती हूँ। सहन शक्ति, एक्सेप्टेंस की शक्ति और दृढ़ता, दृढ़ता की शक्ति से भरपूर। इन शक्तियों का अभ्यास, तो हम ये भी कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अभ्यास करती रहूं, सदा हल्का रहने का, इजी रहने का, और आजाद रहूं, किसी बंधन में खुद को जकड़ती, हम खुद ही तरह तरह के बंधनों में अपने को बांधते रहते हैं। तो ये प्रैक्टिस लगातार होती रहे कि मैं सदैव हल्का रहूं, इजी, और बाबा के प्यार में मगन रहने का अभ्यास, और किस समय पर कौन सी शक्ति को मुझे यूज करना है इसका भी अभ्यास, आत्मस्थिति में रहने का अभ्यास। तो ये सब अभ्यास में दृढ़ता से खुद पे अटेंशन रखते हुए सारा दिन करती रहूं, तो मैं जीवन मुक्त बन जाऊंगी। ओम शांति। शुक्रिया। हाँ जी, बहुत अच्छा। जितनी गहराई में जाके हम उसका अभ्यास करेंगे अंतर्मुखी होके, तभी हम उस शक्ति का अभ्यास में खोए हुए रहने के लिए आज बाबा ने हमको तरीका बताया। डॉक्टर रीमा बहन बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने, क्योंकि योग की पावरफुल स्टेज क्या होती है, अर्थात एवरेडी स्टेज। एवरेडी बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब अंतिम समय इतनी चारों तरफ हलचल होगी तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना होगा, और वही पेपर में जो फुल पास होते हैं। तो जैसे लौकिक इधर हम लोग करते हैं ना, पढ़ाई में भी क्या थ्योरेटिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, और दोनों में पास होना जरूरी होता है। तो बाबा भी कहते हैं आप ज्ञान ज्ञानी बने हो लेकिन योगी नहीं बने, आप व्यास बने हो लेकिन अभ्यास नहीं है। किस चीज का अभ्यास नहीं है, योग, निरंतर योग की। जहां हम कैसे योग जब हमारा लगेगा, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान बने हैं लेकिन नॉलेजफुल है लेकिन प्रैक्टिकल अभ्यास नहीं है। बाबा ने हम सबका अभी रिजल्ट बताया कि ज्ञानी हो लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो। जैसे संडे की भी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि जब कोई भी बात, वैसे तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन जब कोई भी बात आ जाती है तो क्या, भूतनाथ का यादगार बाबा ने बताया कि, तो बाबा भी खेल देखते हैं तब कहते हैं क्या करें बाबा, कैसे करें। तो बाबा भी संजीवनी बूटी देते हैं लेकिन बाबा कहते हैं आप अपने मूर्छा में इतने व्यस्त होते हो कि संजीवनी बूटी को देखते भी नहीं। संजीवनी बूटी अर्थात बाबा ने जो ज्ञान के थ्रू हम सबको शक्तियां दी हैं, गुण दिए हैं, बाबा कहते हैं कि इनको प्रैक्टिकल में छोटे छोटे डे टू डे लाइफ में शक्तियों को यूज करो। कहाँ पे सहन शक्ति, कहाँ हमें समाना है बातों को, कहाँ सामना करना है। तो इनका जब अभ्यास डे टू डे में होगा तो हमारी योग की स्थिति भी पावरफुल होगी, क्योंकि जो डे टू डे पेपर है इनमें पास होंगे तभी हम फाइनल में पास होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसका निरंतर अभ्यास करो, एक एक शक्ति के विस्तार में जाओ और अभ्यास में जाओ। इसमें स्पेशली बाबा ने दो शक्तियों पे फोकस कराया, सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति। तो इस तरह हम अपने ऊपर ध्यान दें तो हम निश्चय ही विजयी होंगे। ओम शांति। बहुत अच्छे। अपने अभ्यास के ऊपर आज बाबा ने
स्पेशली कहा है कि योगी बनो ज्ञानी बनो का संदेश दूसरों को तो देते रहते हैं, लेकिन स्वयं याद की यात्रा में कमजोर दिखाई दे रही है आत्माएं। बहुत अच्छा, जाधव भाई जी बोलिए। ओम शांति। वो कहते हैं आप तो सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, तो शक्तिहीन आत्मा कैसे हो सकते हैं जो आपको स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सके, तो सारे राज्य को कैसे कंट्रोल, विश्व को राज कैसे कंट्रोल कर सकेंगे? और कारण क्या है? बाबा ने सब तो सिखाया, योग सिखाया, योग रहने की युक्तियां भी बताई, लेकिन वो प्रयोग नहीं करते। प्रयोग नहीं करने से जो रिजल्ट चाहिए वो मिलता नहीं है, तो उसमें आलबेलापन हो जाता है। और बाबा कहते आगे, वर्तमान समय एक विशेष लहर दिखाई देती है, कोई भी बात सामने आती है तो बाप की मदद लेते हैं, बाप को सामना करने की शक्ति मांगते हैं, स्वयं प्रयोग नहीं करते। वो कहते बाबा को, हमें शक्ति दो, मदद करो, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, थोड़ी सी आशीर्वाद दो, आप तो दया के सागर है, हमें थोड़ी अंजलि दो। ये बातें कहते हैं लेकिन स्वयं इस्तेमाल नहीं करते, स्वयं प्रयोग करना चाहिए, तब हम मास्टर शक्तिवान बन सकेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छे, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि स्वयं स्वयं हिम्मत का कदम उठाएंगे तभी बाबा बाप दादा की मदद भी मिलेगी। बोलिए। भारती बहन, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन एक विशेष आधार है। तो बाबा कहते हैं कि हमें हिम्मत रखना है। ब्राह्मण जीवन यानी जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। तो हमें सदा हिम्मत से बच्चे मदर बाप रहना है। बाप का भी वायदा है, अगर एक कदम हम हिम्मत का बढ़ाएंगे तो बाबा 1000 कदम अपने मदद के देंगे। तो इसके लिए सदा हिम्मत से हमें बाप दादा को हिम्मत हिम्मत रखनी है। हिम्मत रहेंगे तो ही हम ब्राह्मण बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए, और क्या कहा बाबा ने? योग की पावरफुल स्टेज बनाने के लिए और क्या क्या चीज कर सकते हम लोग? हमें अंतर्मुखी बनना होगा। अंतर्मुखता की शक्ति धारण करेंगे तभी हम योग में पावरफुल बनेंगे। ओम शांति। अंतर्मुखी मतलब आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, बीज रूप स्थिति में हर समय बाप, मैं और बाबा और जी कोई, हर समय हमको बाप के साथ रखेंगे। जितना जितना नाम रूप का विनाश होगा, जब बाबा ने कहा ना नाम रूप का विनाश होगा, है ना, जितना जितना हम आत्मिक शक्ति का और शरीर शक्ति का अभ्यास करेंगे तो हमारी योग की पावरफुल स्टेज बनेगी। और भी कोई तरीके बता सकते हैं? ओम शांति दीदी हाँ बोलिए काजल बहन। जी। और एक बाबा ने बताया कि सदा हमें बिजी, अपने आप को मन बुद्धि से बिजी रहना है। हमेशा माया आएगी पर हमें सदा भी बिजी रहेंगे व्यर्थ, तो हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रह सकेंगे और बाबा की भी बहुत मदद मिलेगी। ओम बहुत अच्छा। शांति। बोलिए रीमा बहन। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी, तो अभी संडे की वाणी में भी बाबा ने कहा था कि व्यर्थ संकल्प कैसे आते हैं, जब हम किसी बात में ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बाबा ने कहा कि इन शब्दों को विदाई दो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, क्योंकि बिंदी लगाओगे नहीं तो क्या होता है, क्वेश्चन मार्क हुआ इसका मतलब व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ, जहां हम क्वेश्चन में चले जाते हैं, और व्यर्थ का खाता जहां आरंभ होगा वहां समर्थ ही समाप्त हो जाती है,
समर्थ ही नहीं होगी तो हम कैसी कैसी सरकमस्टांसेस आएंगे, तो हम जब समर्थ नहीं रहेंगे तो माया हमें फिर ग्राहक बना लेगी, तो हम विजयी भी नहीं रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा था ना कि योद्धे नहीं बनो, योगी बनो, पक्का प्रॉमिस कराया था। तो हमको व्यर्थ से भी मुक्त रहना है। ओम शांति। बहुत अच्छे। ओम शांति। आज एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। वाणी का जो लास्ट महावाक्य पढ़ा गया है कि सहज योग का अभ्यास है और राजयोग का नहीं, तो क्या सहज योग राजयोग नहीं है? ओम शांति। आप ही इसका जवाब दीजिए। आप तो बहुत अच्छे जवाब देते हैं। सहज योग और राजयोग में अंतर, और भी कोई बता सकते हैं इसका आंसर? ओम शांति। जो राजयोग में बाबा ने हमें सिखाई है 8 शक्तियों का जो अभ्यास है, बाबा से वो शक्तियां मिलती है, और उसमें बाबा ने 8 शक्तियों का और 7ों गुण का जो अभ्यास है वो बताया है। तो सहज योग में जो हम बाबा से, सहज योग का एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि जैसे हम चलते फिरते या तो कोई भी हल्का सा काम करते करते बाबा की याद में रहते हैं, लेकिन वो याद शक्तिशाली जरूरी नहीं है कि बनी रहे, लेकिन बाबा को सहज ही रीति से हम याद तो करते हैं, लेकिन वो हल्की सी याद होती है। लेकिन जब हम राजयोग करने के लिए बैठते तो राजयोग में शक्तियां प्राप्त होती है, तो वो करंट का अनुभव होता है कि करंट मिल रहा है हमें। तो जो सहज योग है वो हल्का सा योग है ही राजयोग ही, लेकिन बाबा की हल्की याद तो है, भूले नहीं है बाबा को, लेकिन राजयोग से हम शक्तियां और करंट प्राप्त करते हैं। अगर कोई उसमें भी विस्तार और ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। मतलब सहज योग मतलब कर्म योग, कर्म करते करते हम जो योग कर रहे हैं वो योग सहज योग है, और जो बैठ के हम स्पेशली कर रहे हैं राजयोग, एकाग्र होकर, क्योंकि दोनों तरह से योग होता है मेरे ख्याल से, यही इसका मतलब है। और भी कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें तो कर सकते हैं। शांति, थैंक यू सो मच। अभी समय भी हो गया है तो एक्सट्रीमली सॉरी हम आगे नहीं ले सकेंगे। तो अभी पोल लॉन्च होगा तो आप सभी पोल का जवाब दीजिएगा, बाद में बहन आप योग और होमवर्क भी देना। ओम शांति। तो आज का होमवर्क हम यही लेंगे कि वाणी से परे स्थिति, निर्वाण धाम की स्थिति में स्थित रहकर हम रू रिहान करेंगे बाबा से, और पूरे टाइम अंतर्मुखी और अंतर्मुखी होकर सर्वशक्तियों को यूज करने का प्रैक्टिस करना है, जो होमवर्क दिया है बाबा ने, कि गहराई में जाकर एक एक शक्ति की गहराई में जाने का अभ्यास करेंगे। जैसे कि एक एक शक्ति को 15 15 दिन तक हम अभ्यास करेंगे अंतर्मुखी होकर, तब फिर हम उसके ऊपर हमारा कंट्रोल आएगा। तो ये दोनों ही काम हमको करना है सारे दिन योग में। और ये जो तीसरा अभ्यास जो बाबा ने दिया कि एवर रेडी हो, जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले उसी समय स्वयं को स्थित करो, तो आकारी निराकारी और साकारी स्थिति में रहने का अभ्यास भी हम करना है हमको दिन भर में। योग की तरफ चलते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप चमकता हुआ सितारा, प्रकृति में विराजमान, रूहानी मिलन बाबा से, निर्वाण धाम की स्थिति में, वाणी के परे की स्थिति में,
बाबा से शक्तिशाली मिलन मना रही हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों का अनुभव सर्व शक्तियों का करंट लेकर मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति अनुभव हो रही है। निर्वाण धाम की स्थिति में स्थित रहकर मैं आत्मा सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी स्थिति में स्थित हूँ। बाबा से मिलती सर्व शक्तियों का अनुभव मैं आत्मा हर समय अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होकर बाबा के साथ योग में स्थित रहकर सहज योगी राज योगी निरंतर योगी होने का अनुभव कर रही हूँ। सर्वशक्तियों को अपने अंदर समाते हुए वापस अपनी प्रकृति में आकर अंतर्मुखी स्थिति में स्थित हो जाती। शांति शांति। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा। शुक्रिया।